everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are safe and doing great. So today's video is gonna be a makeup haul. मैं बहुत दिन बाद नायका हॉल बनाने वाली हूँ क्योंकि नायका पे चल रही थी पिंक फ्राइडे सेल. सो आई थॉट टू डू अ हॉल वीडियो बिकॉज नायका हॉल मैं बहुत दिन तक नहीं करी हूँ. सो या लेट्स गेट इन टू द वीडियो. फर्स्ट आई हैव लाइक मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन विद मी एंड दिस इज इन द शेड 04. एंड मैं थोड़ा दिखा दूँ शेड कैसा है. इट्स द शेड. इट हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑरेंज और कोरल अंडरटोन एंड इसका कवरेज है शीयर आई वुड से, बट फिनिश काफ़ी अच्छा है. स्किन लाइक फिनिश है और ब्लेंडेबल भी है. नेक्स्ट आई हैव दिस फेस पैलेट फ्रॉम मिस क्लियर. दिस इज देयर ब्लश कॉन्टोर एंड शेप योर फेस कॉन्टोर पैलेट. और इसमें है ये वाला कॉन्टोर शेड, एक योलो टाइप का बनाना पाउडर प्रेस पाउडर शेड एंड नेक्स्ट इज अ ब्लश. सब शेड्स की पिगमेंटेशन मतलब ऑन पॉइंट है. एज यू कैन सी कॉन्टोर मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी, ये एक योलो अंडरटोन पाउडर है तो अंडर आइज में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है विच आई एब्सोल्यूटली लव. एंड नेक्स्ट ब्लश शेड मुझे उतना खास नहीं लगा, ब्लश की पिगमेंटेशन बहुत कम है. नेक्स्ट आई हैव अ सिंगल आई शेडो अगेन फ्रॉम मिस क्लेयर एंड दिस इज कॉल्ड देयर बेक्ड आई शेडो. मैं हर एक चीज़ की प्राइस मेंशन कर दूंगी क्योंकि मुझे याद नहीं है. एंड इसका शेड है 08. नायका की वेबसाइट में देख के मुझे लगा था कि एक सिल्वर आई शेडो है, मुझे एक सिल्वर आई शेडो चाहिए थी. सो आई पिक्ड इट बट इट इज़ नॉट सिल्वर. ये एक इट हैव अ हिंट ऑफ सिल्वर बट ये पिंक अंडरटोन सिल्वर है. क्रीमी ऑफ वाइट कलर है जिसमें पिंक अंडरटोन है. मतलब ये एक अच्छा खासा हाइलाइटिंग शेड की तरफ भी काम करेगी. एक स्किन के ऊपर ये थोड़ा सा लगता है, मतलब मैं सोच करूँ तो एक पिंक एंड सिल्वर रिफ्लेक्शन है इसमें से. शायद कैमरा में ये सिल्वर लग रहा है बट इट इज़ नॉट सिल्वर. It is actually off white shade and have a pink undertone in it. So yeah, I'm moving on to the next product, which is this. These are the cotton balls from Tulips and this is 50 pieces cotton balls की जो अब makeup remove करने में, toner apply करने में बहुत सारे काम आता है. ये nail polish remove में भी. So and this is super duper soft and squishy. I really love it. So yeah, and they are very soft and untouched by hand hai, so you can actually use them. Next I have this sunscreen from Joy. To Joy ki sunscreen ki bahut sari variant aate hain. 20 SPF, 30 SPF, 40 SPF. Mere wala hai 30 SPF PA double plus and इसका क्वांटिटी है 60 ml. एंड ये वाला सनस्क्रीन मैट लुक देता है और ये वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता. आई रियली रियली लाइक दिस सनस्क्रीन. ये मैं यूज़ कर रही हूँ 2-4 दिन से एंड इसका ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैट है, वाइट कास्ट नहीं प्रोवाइड करता और काम भी अच्छा करता है. एक्चुअली जॉय का प्रोडक्ट ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. मैं पहले उसकी मॉइस्चराइजर ट्राई की, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और ये भी. सो आई एम गोइंग टू ट्राई मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. नेक्स्ट आई हैव दिस लैक्मे इंस्टा लाइनर इन द शेड ब्लू. मेरी आँखों के ऊपर आप इसे देख ही सकते हो. ये मैं एक बार फिर से स्वच कर देती हूँ. लैक्मे इंस्टा लाइनर की एक ही प्रॉब्लम मुझे लगता है, ये ड्राई होने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेता है. अदरवाइज इसका परफॉर्मेंस क्वाइट गुड. And this is a swatch. Let me swatch a bit more. Yeah. A sky blue type का है ये. एकदम से vibrant blue. So आपको एकदम vibrant blue चाहिए तो this is द परफेक्ट वन. बट ये ड्राई होने में बहुत देर करता है. जो लाइनर ड्राई होने में देर करता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि मैं आँख ऊपर करती हूँ और चिपक जाता है और मेरा पूरा आई मेकअप खराब कर देता है. सो या नेक्स्ट इज दिस स्विस ब्यूटी 3D स्टूडियो इफेक्ट आई लैशेज
एंड इसका शेड है, आई मीन इसका स्टाइल है मेलोई। एंड ये बहुत ही एक अच्छा बड़ा सा 3D इफेक्ट वाला लैश है, आप देख सकते हो। और इसका लुक बिल्कुल भी प्लास्टिक लैश की तरफ नहीं है। एंड प्राइस काफ़ी कम था, मतलब 74 या 73 ऐसा कुछ में। ये वाला एकदम सुंदर, मतलब प्लास्टिक लैसेस नहीं है ये, पर भी प्राइस इतना कम है, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन देख के मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही बड़े बड़े हैं। सो अप्लाई करने के बाद देखते हैं कैसे लगते हैं। होप कि ये वाला स्टाइल मेरी आंखों में भी सुंदर लगे। सो या मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हल, आई हैव दिस लिपस्टिक विद मी। तो इलेटिन ने एकदम नया नया लॉन्च किए थे ये वाला देयर लिक्विड लिपस्टिक, तो मैं ट्राई करना चाहती थी ये कैसा है। और इसका ये वाला कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये ऑर्चिड फैंटेसी इसका नाम है। और ये एक ब्लू अंडरटोन पर्पल है, एक ब्लू अंडरटोन पर्पल मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी। एंड ये देख के ही मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला शेड, एंड आई पिक्ड इट अप। एंड ये है शेड, बहुत ही वाइब्रेंट शेड है। एंड इसको स्मेल कॉटन कैंडीज ऐसा है, विच आई डिडंट लाइक दैट मच, बट कैन यू सी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है। वन स्वाइप ऐसा कलर आपके सामने ही मुझे मिला है। एंड लिप्स पे भी ये काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा पाउडर पाउडर काइंड लगता है, मतलब इसका क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्वालिटी इट मीन्स कि द फॉर्मुलेशन बहुत ही वाटरी एंड पाउडरी सा है, मतलब पिगमेंटेशन देता है पर जो फील है लिप्स में वो थोड़ा ड्राई लगता है, बट अदरवाइज ये अच्छा है। मैं एक बार पहन के दिखा देती हूँ। ये वाला इलेक्ट्रिक ब्लू आई के साथ ये वाला पर्पल, आई नो कि फनी लगेंगे, बट या चलो लगा के देखते हैं। मैं जो लिपस्टिक पहन के बैठी थी उसे रिमूव ना करके ही मैं लगाया, और थोड़ा मिक्स्ड अप एक कलर आया है। तो दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल कलर, दिस इज़ द ओरिजिनल कलर। मैं इसे जल्दी ही कोई मेकअप लुक में यूज़ करूँगी एंड दिखाऊँगी ये कैसा लगता है लिप्स पे। तो फॉर्मुलेशन काफ़ी वाटरी है, और इसका क्वांटिटी है 5.5 ml, तो देख के नहीं लगता, मतलब बहुत ही छोटा सा है हाइट में ये पैकेजिंग कंपेयर टू अदर लिक्विड लिपस्टिक्स। सो या इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लिप्स मुझे थोड़ा ही अनकंफर्टेबल लगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, एंड बट ये एकदम स्मज प्रूफ है। वाटर प्रूफ की है कि नहीं है वो मैं अभी तक नहीं देखी हूँ, बट वन मिनट, ये आईलाइनर स्मज प्रूफ नहीं है। क्या करना, लिपस्टिक है पूरा का पूरा स्मज प्रूफ, क्योंकि है ये लिक्विड लिपस्टिक की। सो या ये था मेरा मिनी नायका हॉल पिंक फ्राइडे सेल हॉल, तो जो भी आप कहो। तो इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस हॉल, देन आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब तक करना ही है। सो या जल्दी सब कुछ कर दो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर एंड बाय।